Hello everyone, in this section we'll be learning another lookup function, the index function. Okay, so I'll just share my screen. This is the Excel sheet where we'll be learning the index function. The index function, just as the name suggests, what does index mean? Like say for example, you must have gone through a textbook where it says this page number contains this this chapter, right? So we go to that page number and we see the chapter, right? The same way we prepare a notebook where we prepare an index and saying this page number contains this chapter or this topic. This is the same concept in Excel sheet as well. जहाँ पर हम कोई भी row number या column number enter करेंगे और उसके corresponding हमको वो data मिल जाएगा. तो आप ये शीट देख रहे हो यहाँ पे. एक तो सिर्फ row number से हम data collect करेंगे और एक data collect करेंगे row number और column number से. इसको मैं change कर देता हूँ value से. अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमने फॉर्मूला लगाना है इंडेक्स का इज इक्वल्स टू इंडेक्स, ठीक है, एरे जहां से हमें डेटा रिट्रीव करना है जिस टेबल से उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं एब्सोल्यूट बना दूंगा. उसके बाद रो नंबर, अगर आप देख रहे हो ये वन डायमेंशनल फंक्शन है. एक तो इंडेक्स में एक वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल है, ये वन डायमेंशनल अभी हम सीख रहे हैं. एरे और रो नंबर कौन सा, बस रो नंबर हम कहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारा रो नंबर B14 है, क्लियर. उसके बाद हम सीधा सीधा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है. तो अगर आप देख सकते हो रो नंबर 5 में एम्प्लॉय नेम में कौन सा नाम दिया हुआ है, अमृता हल्दर, दिस इज करेक्ट, ठीक है. अगर आप ये चेंज करोगे, से फॉर एग्जांपल आपने 1 करा, लोकेश कुमार आ गया, आपने 6 करा, मयूर अक्षत शर्मा आ गया, आपने 7 करा, डेटा चेंज हो गया. तो इस तरीके से जैसे ही आप रो नंबर एंटर करोगे, आपको आपको उस रो नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर. अब ये तो था वन डायमेंशनल इंडेक्स फंक्शन. अब हम चेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 है. अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, उसी तरीके से इंडेक्स एरे हम इस समय पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम रो नंबर और कॉलम नंबर कुछ भी डाल सकते हैं. ये टू डायमेंशनल इंडेक्स फंक्शन हुआ, हमने इसको लॉक कर देना है. उसके बाद रो नंबर कहाँ से मिलेगा, ये देखिए ये सिंटैक्स है रेफरेंस, उसके बाद रो नंबर, फिर कॉलम नंबर. रो नंबर कौन सा है, हमारा रो नंबर ये वाला है E14 कॉमा कॉलम नंबर दिस वन, राइट. अब हम एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है. तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 में हमारा कौन सा डेटा है, रो नंबर 3 मतलब 1, हमने हमने पूरा टेबल सिलेक्ट करा था. देखते हैं क्या करा था हमने इस फॉर्मूले में, A1 से D9 मीन्स यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो गया रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट या मेल M हो गया. अगर आप 4 4 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, 2 2 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा. ये था इंडेक्स फंक्शन. इंडेक्स फंक्शन बेसिकली होता क्या है, जो भी रो नंबर और कॉलम नंबर आप डालोगे या फिर रो नंबर डालोगे उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको वो वैल्यू दे देता है, यही इंडेक्स फंक्शन था. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैच फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इंडेक्स और मैच दोनों एक साथ पढ़ेंगे, उसका उसका मेरिट डिमेरिट क्या है, वीलुकअप से वो कितना ज्यादा डिफरेंट है. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल हो प्लीज 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 अपने क्वेश्चंस कमेंट में ऐड कीजिए. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय.